हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, मैं अभी पेरिस में हूँ और एक हम लोग एक पार्क में आए हैं आईफेल टावर के पास, और बहुत सुंदर जेरेनियम और पिटूनिया और गजानिया के फ्लावर खिले हुए हैं इधर, और बाकी बहुत सारे वैरायटीज़ भी है। मैंने डस्टी मिलर देखा है, फिर मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट आईवीज़ भी देखे हैं। सो यहाँ पर एक्चुअली समर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट सीजन फ्लावर्स और दूसरे फ्लावर्स खिलते हैं। अभी देखिए सितंबर हो गया, अभी धीरे धीरे फ्लावर कम हो रहा है, नहीं तो आप अगर जून जुलाई में आते हैं तो बहुत सुंदर पिटूनियाज वगैरह खिले हुए रहते हैं। अभी यहाँ पर फिर भी ब्लू साल्विया आप जो देख रहे हैं ये बहुत सुंदर है, अभी ये इसके सीज़न के आखिर में है, फिर भी बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, क्योंकि ये जो कैमरा जो मोबाइल है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, ये दूसरा ही है जिससे मैं जनरली यूट्यूब का वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास यही है तो मैं इसीलिए इससे शूट कर रही हूँ। और मोबाइल पे तो ठीक ही दिख रहा है, लाइक जो कैमरा वीडियो क्वालिटी, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है? कोई लाइक अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कैसा लग रहा है। और ये देखिए, एक ट्रॉपिकल सा एटमोसफेयर ये लोग बना रहे हैं, मेरीगोल्ड वगैरह अभी खिल रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आईफेल टावर, अभी हम ये पार्क जो है आईफेल टावर के पास है, ये आईफेल टावर हम लोग देख सकते हैं। तो मैं आज यहाँ आई थी, और मुझे आपको तो पता है जहाँ पर फ्लावर्स दिख जाते हैं मैं रुक के थोड़ा वीडियो वगैरह लेती हूँ, और मैंने इतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पर आईवीज़ देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ से प्लांट्स नहीं ला सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है, मैं आपको इंडोर प्लांट्स के वाटरिंग के ऊपर बोलूँगी। मेरा लास्ट वाला वीडियो भी वाटरिंग के ऊपर ही था। सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि उन लोग का इंडोर प्लांट्स नहीं चल रहा है या वाटरिंग में गड़बड़ हो रहा है, तो मैं आपको आज कुछ वाटरिंग रिलेटेड कुछ बातें क्लियर करूँगी रिगार्डिंग इंडोर प्लांट्स। सो पहली बात तो फ्रेंड्स, कि आपका जो प्लांट है वो कैसा कैसा आपका पॉट में लगा हुआ है। अगर प्लास्टिक का पॉट है तो उसमें पानी कम चाहिए होता है। अगर टेराकोटा का पॉट है, जैसा ये आप देख सकते हैं मेरा ड्रेसिना, तो इसमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि टेराकोटा में क्या होता है, आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है पानी का, प्लास्टिक में बहुत देर तक पानी रुका रहता है। सो अगर आपका प्लांट्स प्लास्टिक में है तो उसमें पानी टेराकोटा के हिसाब से कम चाहिए होगा, फर्स्ट तो ये बात है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपने कहाँ रखा है अपने प्लांट्स को। मेरे जो जो फ्रेंड मुझे पूछते हैं कि उनका इंडोर प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, सो फ्रेंड्स ये उन लोग के लिए है, ये वीडियो आप लोग के लिए है, कि आप अगर आपका प्लांट अच्छा से ग्रो नहीं हो रहा है तो आप उसको थोड़ा इनडायरेक्ट लाइट जहाँ पर आ जाए, जैसे कि कोई विंडो वगैरह हो, ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग विंडो हो, जहाँ पर अच्छा से फिल्टर सनलाइट आ जाए, ऐसा जगह पर आप अपने प्लांट्स को रखिए, थोड़ा मूव कर दीजिए। और उसके बाद ये देखिए जानाडू वगैरह, ये मेरा बड़ा सा जानाडू का प्लांट है, ये सबको बहुत ब्राइट लाइट पसंद है लेकिन इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, तो आप इन सबको विंडोज़ जो जिसमें फिल्टर्ड लाइट आता है वैसा जगह रखिए, डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए लेकिन लाइट अच्छा दीजिए। जैसे स्नेक प्लांट वगैरह को लाइट उतना पसंद नहीं होने से भी चलता है, लेकिन ये देखिए ड्रेसिना, अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो अगर ड्रेसिना को आपको ग्रो करना है तो आपको थोड़ा अच्छा सा लाइट देना पड़ेगा, नहीं तो इसका पत्ते का जो ग्रोथ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और वेरिएशन भी चला जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स, अगर आपका ड्रेसिना कलरफुल हुआ जैसे मेरा ये वाला है, तो आपको ये याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त कर सकता है, तो इसको धूप चाहिए होता है। तो ऐसे ही आप इसको कोई विंडो के पास रखिए जहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, क्योंकि एयर सर्कुलेशन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपके पास जैसा भी इंडोर प्लांट हो, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जीजी प्लांट या सेंसेविडिया ये बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं एग्लोनीमस, अगर आपके पास जीजी प्लांट या एग्लोनीमा ऐसा कुछ है तो आप इसको थोड़ा डार्कनेस में भी रख सकते हैं, और बहुत कम वाटर और कम केयर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन ये देखिए, ये लकी बेम्बू, या आपके पास अगर जो थोड़ा डेलिकेट सा लेके पेपर में या ऐसा टाइप का कुछ इंडोर प्लांट है, तो इस सब को आपको थोड़ा अच्छा एयर सर्कुलेशन देना पड़ेगा, जहाँ पर अच्छा सा आपका हवा आ जाए, आपको जो नमी बनी बना जो आपका अच्छा ह्यूमिडिटी जो होता है, नमी होता है, वो ह्यूमिडिटी इन सबको चाहिए होगा, और डेफनबेकिया को भी बहुत ह्यूमिडिटी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी चाहिए।
ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे एंथोरियम के बारे में पूछते हैं, उस पर भी फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सब इंडोर प्लांट्स हम लोग जो रखते हैं ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं, सो इन सबको आपका थोड़ा सनलाइट कम लेकिन इनडायरेक्ट फिल्टर लाइट में ग्रो करने का हैबिट है और बहुत ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट इन सब का पसंद है। और ये मैं हमेशा वीडियो में बोलती रहती हूँ कि फ्रेंड्स आप थोड़ा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इसके प्लांट्स के चारों तरफ बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास ढेर सारे इंडोर प्लांट्स हैं तो इन सब का गर्मी के टाइम में एटलीस्ट ग्रुप में रखिए ताकि इन सबको एक दूसरे से ह्यूमिडिटी मिले, क्योंकि प्लांट्स को ग्रुप में रहना बहुत पसंद है। उसके बाद आप इन सब के लीव्स जो है पत्ते हैं इन सबको आप रेगुलरली एक मॉइस्ट क्लॉथ या अगर कोई टिश्यू है उससे थोड़ा साफ करते रहिए ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छा से हो जाए। फिर आप इन सबको एटलीस्ट वीकली 2-3 बार गर्मी के सीज़न में आप वाटर मिस्टिंग कीजिए पत्ते में, जिसको हम बोलते हैं पत्ते में वाटर पानी का स्प्रे करना। उससे क्या होता है प्लांट्स को ह्यूमिडिटी मिलता है और इन सब प्लांट्स को ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपका प्लांट्स अच्छा से इंडोर प्लांट ग्रो नहीं कर रहा आप इसको थोड़ा वाटर मिस्टिंग कीजिए, पत्ते वगैरह साफ रखिए और उसके बाद पोजीशन ठीक रखिए ऐसे कि जहाँ पर थोड़ा अच्छा से लाइट आ जाए। स्पेशली ये देखिए ये मरांटा है, मरांटा को लाइट पसंद है लेकिन इनडायरेक्ट लाइट चाहिए और ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मरांटा में ऐसे जगह मैंने रखा है जहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट आ जाए लेकिन आपका डायरेक्ट सनलाइट ना आ जाए। सेम विथ आपका बाकी जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं सबको फिलोडेंड्रन वगैरह को सेम एटमॉस्फेयर पसंद है, हाई ह्यूमिडिटी आपका, फिर इनडायरेक्ट सनलाइट लेकिन ब्राइट लाइट और फिर आपका केयरफुल वाटरिंग। तो आप पानी जब देंगे फ्रेंड्स आप पहले तो इसका सॉइल चेक करिए। आप ऐसे कर सकते हैं कि अपना जो फिंगर है उसको थोड़ा घुसा के सॉइल में देख सकते हैं, अगर 1 इंच तक भीगा हुआ है आपका सॉइल तो फिर आप इसको पानी मत दीजिए, अगर 1 इंच तक सूखा हुआ है तो आप इसको पानी दे सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रे में जो आपका टॉप के साथ ट्रे आता है उसमें भी थोड़ा स्टोन वगैरह दे के फिर पानी दे के उसके ऊपर भी आप अपना प्लांट का जो पॉट है उसको बैठा सकते हैं, उससे भी ह्यूमिडिटी मिलता है प्लांट्स को और वाटरिंग भी मिलता है। सो दो पर्पस ही सर्व करता है। सो फ्रेंड्स आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं अगर उसको आपको वाटरिंग करना है सो आप तो आप इसको पहले तो देख लीजिए मिट्टी सूखा है कि नहीं, उसके बाद देखिए अगर सूखा है तो टेराकोटा का टॉप में है तो थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, प्लास्टिक के टॉप में है तो थोड़ा कम पानी चाहिए। और फिर अगर मिट्टी सूखा ना हो तो आप पानी मत दीजिए, नहीं तो ओवर वाटरिंग से भी हम लोग के इंडोर प्लांट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली आपका सेंसिविटी और एग्लोनिमा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ओवर वाटरिंग से। फिर प्लांट का स्पीशीज देख लीजिए, अगर हार्डी प्लांट है या कोई नाजुक सा पेपरमिया वगैरह, ये सब बहुत नाजुक सा प्लांट होता है लेकिन ये होया देखिए आप, फिर एरिका पाम्स वगैरह थोड़े हार्डी प्लांट्स हैं, ड्रेसिना वगैरह, लेकिन आपका फर्न वगैरह फिर से नाजुक प्लांट है। सो आप जो प्लांट का जो वैरायटी है उससे भी थोड़ा आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि आपका प्लांट का नाम क्या है, क्या स्पीशीज़ है। अगर हार्डी वैरायटी का है तो थोड़ा इग्नोर करने से भी चल जाता है, लेकिन अगर नाजुक है थोड़ा तो आप इसको राइट ह्यूमिडिटी, राइट वाटरिंग और राइट फूड और राइट आपको इसको एम्बियंस देना पड़ेगा। तो रिगार्डिंग एम्बियंस मैं बोलूँगी कि हाई ह्यूमिडिटी सबको इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद पॉटिंग मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉटिंग मीडियम इनफैक्ट मैं अगर इंडोर रखती हूँ तो मैं हमेशा 40% कोकोपीट देती हूँ, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर रिटेन करता है। तो अगर मैं 10 दिन के लिए बाहर भी चली जाती हूँ, जैसे मैं अभी पेरिस में आई हुई हूँ, तो मैं किसी को बोल के आई हूँ मेरे प्लांट्स को पानी देने के लिए, लेकिन मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं उन सबको मैं अभी बाहर निकाल के जो मेरा शेडेड एक एरिया है जहाँ पर ये देखिए ये रियो प्लांट जहाँ पर रखा हुआ है, इस एरिया में फिल्टर सनलाइट आता है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, ऐसा जगह में मैंने बोल के रखा है कि वीकली एक बार पानी देना। सो ऐसा अगर आपके पास कोई जगह है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट किसी को बोल के वीकली 1-2 बार पानी देने का थोड़ा कुछ इंतज़ाम कीजिएगा। उसके बाद सेकेंडली आप सॉइल मीडियम कोकोपीट 40%, कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट 40% और 20% जो रिवर सैंड है बजरी है उसको मिला के अपना सॉइल मीडियम रेडी कीजिए ताकि कोकोपीट में आपका मॉइस्चर भी रिटर्न हो और फिर जो रिवर सैंड है उससे आपका
जो सॉयल मीडियम है वो भी पोरस हो जाए। स्पेशली जो हैंगिंग पॉट्स है इसमें कोकोपीट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हैंगिंग पॉट्स है वो हम लोग को बहुत हैवी नहीं करना है, थोड़ा हल्का रखना है, तो कोकोपीट उसको इसका वेट कम करता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये फर्न जो है, जितने भी वैरायटी के आपके फर्न है, ये बहुत फसी प्लांट्स होते हैं। अगर थोड़ा भी इन लोग को अगर आपका जो एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं मिला तो इसलिए फर्न को आपको मॉइस्ट सॉइल चाहिए, थोड़ा भीगा हुआ सॉइल चाहिए, लेकिन बहुत सॉगी नहीं चाहिए। तो आप इसको आकर इसका सॉइल जब भी सूख जाए आप इसको थोड़ा पानी दीजिएगा और फिर स्प्रेइंग करते रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई विंडो के पास अगर हो सके, या जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाए, ऐसे जगह आपने प्लांट्स को रखिए। जैसे ये फिडल लीफ फिग, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा प्योर डार्कनेस में। उसके बाद आप वाटरिंग कीजिए प्लांट के सॉइल को चेक करके, अगर बहुत ज़रा भीगा हुआ तो मत कीजिए, अगर 1 इंची तक सूखा हुआ हो फिर ही वाटरिंग कीजिए। उसके बाद आप जहाँ पर आपका प्लांट रखा हो वहाँ पर अच्छा से एयर सर्कुलेशन हो, इस बात का आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपका प्लांट अगर उसको अच्छा सा फ्रेश सा एयर भी ना मिले और अच्छा फिल्टर लाइट भी ना मिले तो आपका प्लांट ग्रो भी नहीं करेगा और धीरे धीरे मर जाएगा। इसीलिए एयर सर्कुलेशन जहाँ पर अच्छा हो उसी जगह आपका प्लांट्स को रखिए, और आपका प्लांट का जो वैरायटी है उसके बारे में थोड़ा जानने का कोशिश कीजिए, उसका नाम वगैरह। अगर हम लोग एक बार नाम जानते हैं तो फ्रेंड्स उसको उसके बारे में गूगल में सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। और मैं खुद यही करती हूँ कि अगर मुझे कोई प्लांट के बारे में थोड़ा भी पता हो लेकिन डिटेल्स पता नहीं हो तो मैं यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लेती हूँ, जो बहुत सारे अवेलेबल इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल जाते हैं रख रखाव के बारे में। सो ये आप भी कीजिए, रख रखाव अगर आपको नाम पता है लेकिन आपका प्लान अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, यूट्यूब वगैरह देख लीजिए। और लेकिन सबका फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सॉइल अच्छे से बनाइए, रिच मीडियम बनाइए, इन द सेंस कि थोड़ा पोरस हो लेकिन मॉइस्चर रिटर्न करे कोकोपीट वगैरह से, और कंपोस्ट से थोड़ा फर्टिलाइज़र भी मिले। उसके बाद आपको वीकली एक दो बार एटलीस्ट इसको मिस्टिंग करना है, और अगर इंडोर फुल्ली रखते हैं तो पत्ते वगैरह थोड़ा गंदा होने से आपको रेगुलरली टिश्यू को थोड़ा भिगा के, एक टिश्यू पेपर को आपको ये लीफ वगैरह साफ़ करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बाहर रहता है प्लांट्स तो बारिश के पानी से साफ़ हो जाता है लीव्स पत्ता, लेकिन अगर इंडोर रहता है तो साफ आपको ही करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। फिर जो प्लांट का स्पीशीज़ है उसके हिसाब से आप इसको लाइटिंग अरेंजमेंट दीजिए। अगर आपका प्लांट जैसे कि ये देखिए मॉन्स्टर है, इसको बहुत लो लाइट में भी अच्छे से ग्रो करता है, सिर्फ इसको अच्छा से ह्यूमिडिटी चाहिए। लेकिन ये देखिए ये ड्रैगन जो प्लांट है, इसको थोड़ा ब्राइट लाइट ज़्यादा पसंद है, जैसे कि ड्रेसिना के हर कोई वैरायटी में जो चाहिए। तो इसको अगर आप बरंदा वगैरह में भी रखते हैं तो अच्छा से चलता है और बहुत सनलाइट में भी चल जाता है ये। तो अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो इसको आपको ब्राइट फिल्टर लाइट आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका प्लान अच्छा से ग्रो नहीं करेगा। मेरे कोई कोई फ्रेंड्स पूछते हैं कि उन लोग का प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहा है, सो मेन रीज़न कि उसका प्लेसमेंट ठीक नहीं हुआ फ्रेंड्स, उसको अच्छा से लाइट नहीं मिल रहा है शायद, या अच्छा से उसको हवा नहीं मिल रहा है फ्रेश हवा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है, स्पेशली अगर आप ड्रेसिना वेराइटी के कोई प्लांट्स रखते हैं तो। एग्लोनिमा, जीजी प्लांट, सेंसेवेरिया, पीस लिली, ये कुछ वैरायटीज़ है जो बहुत ही हार्डी कंडीशन में बहुत ही लो लाइट में ग्रो करता है। लेकिन बाकी इंडोर प्लांट्स को भी थोड़ा लाइट चाहिए। और जो मैं हमेशा आपको बोलती भी हूँ और दिखाती भी हूँ, जैसे ये ड्रेसिना में दिखा रही हूँ, अगर ये आप फुल्ली इंडोर रखते हैं तो जैसे मैंने अभी बाहर निकाल कर रखा है क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है, बारिश के टाइम में अगर हो सके तो आप थोड़ा 1 घंटा के लिए सबको बारिश का पानी में थोड़ा नहला दीजिए ताकि इनको थोड़ा नाइट्रोजन मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मानसून सीजन में, ताकि आपका प्लांट अच्छा से ग्रो करे। क्योंकि देखिए ये सब प्लांट्स रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं और मैक्सिमम विंटर्स में डोरमेंसी में चले जाते हैं, सो अभी मानसून का सीज़न है मेनली इन सब का ग्रो करने का और बुशी बनने का। सो ये आप हमेशा याद रखिए, अगर हो सके आपसे थोड़ा तो आप इसको थोड़ा रेन के पानी में थोड़ा रख दीजिए हाफ एन आवर, 1-1.5 घंटे के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है। और फर्टिलाइज़र तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जल्दी और एक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए कीप ऑन डूइंग योर गार्डनिंग वर्क, आप सबका गार्डन और भी हरा भरा बने। जल्दी हम लोग मिलते हैं और एक सुंदर सा वीडियो के साथ। यहाँ पर भी अगर मुझे कोई डिफरेंट
अनकॉमन सा प्लांट्स या फ्लावर्स दिख जाए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस इवनिंग. बाय बाय, टेक केयर.